हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल अरोड़ा। और हम पिछली बार मोमोज खाने गए थे और मज़ा आया था रात को, तो लेकिन रास्ते में काफ़ी लंबी वीडियो कर दी थी मैंने। तो आज हम घर से निकल रहे हैं, बस मैं, चिया और मालविका। और आज हम चल रहे हैं आप लोगों को लेके डोसा खाने के लिए, जो आपको बताया था बहुत फेमस डोसा है। और मुझे तो डोसा बिल्कुल पसंद नहीं है, दिल्ली में काफ़ी बार डोसा खाया है, मुझे कभी मज़ा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगता डोसा। लेकिन सच में जब हमने पहली बार यहाँ पे टेस्ट किया डोसा तो बहुत मज़ा आया उसको खाने में, बहुत टेस्टी लगा था हमारे को। तो आज हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ की वीडियो बनाते हैं, छोटी सी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि रास्ता लंबा पड़ जाता है तो थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए अब मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगा। और बाकी वहाँ पहुँचने वाला हूँगा तो रास्ते में आपको दिखाऊँगा। और वहीं हम सहारनपुर चौक पटेल नगर में जो है डोसे वाला, टिक्की वाला, डोसे वाला और चाट भंडार मोमोज वाले सब लाइन से हैं वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम रास्ते में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को भी स्टॉप करते हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो, बाकी मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स मतलब हम फेमस जगह पे तो हर जगह पे खाते ही हैं, और कोई अच्छी जगह पे हम जाते हैं तो वो फेमस होता है, हमें वो टेस्टी लगता है। लेकिन छोटी मोटी जगह पे जाना और वहाँ पे भी हमने जैसे वहाँ का टेस्ट करा तो हमें पसंद आया, तो इसलिए हम वहीं की वीडियो बनाने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक वीडियो बनी है वहाँ पे, तो मुझे बताया था किसी ने कि फर्स्ट वीडियो वहाँ पे और सेकंड वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। और हम पता करके भी आए थे उस शॉप को, 7 साल हो चुके हैं वहाँ पर। और अपना फेमस जगह पे नेक्स्ट टाइम आपको लेकर चलूँगा, मैं कोई ज़्यादा बहुत फेमस जगह होगी तो वहाँ पे भी लेकर चलूँगा। लेकिन अभी हम छोटी मोटी जगह पे घूम रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि कौन जगह पे अच्छा खाना कहाँ कहाँ मिलता है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम डोसा लेंगे, इडली और बड़ा सांभर मिलता है वहाँ पर, और मम्मी के लिए पैक करा के लाएंगे क्योंकि मम्मी को लेकर नहीं जा रहे, सिर्फ मैं, मालविका और चार भी जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टॉप करते हुए हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पे, सॉरी, थोड़ी देर में वहाँ पे मिलते हैं आपसे और फिर हम वहीं पे बात करते हैं, तब के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम पिछली बार आए थे वहाँ से पटेल नगर होते हुए। ये फ्रेंड्स दिखाता हूँ आप, ये देखो आप पटेल नगर, और ये है सहारनपुर चौक, और जहाँ मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊँगा वीडियो वहाँ की, बनाने आए हो डोसा। ये है भैया डोसे वाले हमारे, आपका नाम भैया? प्रदीप। हाँ जी, प्रदीप। प्रदीप, और ओनर हो आप यहाँ के? ओनर है। और भैया? भाई। भाई हैं, भाई का नाम? देशराज। भैया पिछली बार डोसा खा गए थे हम यहाँ पे, हमारे को मज़ा आया तो भैया से पूछा था हमने कि यहाँ पे आएंगे वीडियो बनाएंगे आपकी। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 7 साल। 7 साल हो गए हैं। और कितने बजे ओपन करते हो शॉप आप? इवनिंग में करते हो 6 बजे ना? 4 बजे। 4 बजे कर देते हो, लेकिन पिछली बार भैया हम आए थे तो उन्होंने बोला 6 बजे ओपन करते हैं, तो अभी बस रश लगना स्टार्ट हो जाएगा अब आपके पास। क्योंकि पिछली बार आए थे बहुत लेट हो गए थे, हमको बहुत मुश्किल से डोसा खाने को मिला था, ख़त्म ही होने वाला था। ये भैया जी थे यहाँ पर, ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये टिक्की वाले हैं और साथ में भल्ला पापड़ी वाले भी हैं। आज तो हम भैया का डोसा खाने आए हैं, साउथ इंडियन स्पेशल पनीर मसाला डोसा। एक भैया मसाला डोसा बनाओ बढ़िया सा। ये कौन सी जगह पड़ती है भैया? पटेल नगर ना, वो आगे सहारनपुर चौक है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम डोसा खाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम यहाँ पे भी आएंगे और साथ में भल्ले पापड़ी। ये सारी पुरानी शॉप्स है ना भैया यहाँ पे? चलो ये देखो फ्रेंड्स, भैया डोसा बना रहे हैं हमारे। भैया बढ़िया सा बनाना है यार, क्या क्या डालते हो इसमें? हाँ जी, आलू। ये पहले से बनाए हुए होते हैं आपने? ये प्याज डाला? अच्छा, पनीर भी डालते हो? सात सालों में आप ही हैं यहाँ पे सब से, आप ही बनाते हैं? क्योंकि पिछली बार आए थे तो भैया मिले थे हमारे को सिर्फ ना। चटनी कौन कौन सी देते भैया इसके साथ? टमाटर की और नारियल की चटनी। टमाटर की चटनी वो उसमें भी नारियल डालते हैं, सिर्फ टमाटर की होती है वो? ये लो भैया का दूसरा ऑर्डर भी आ चुका है। ये भैया आप यहीं पे आते रहते हैं डोसा खाने? अच्छा बनाते हैं ना भैया? बहुत बढ़िया। सच में भैया डोसा मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब से आपके यहाँ पे खाया है ना तो डोसे के शौकीन तो हम भी हो गए हैं।
हमने दिल्ली में बहुत डोसा खाया भी है लेकिन सच में मज़ा नहीं आया अभी तक हमारे को, लेकिन यहाँ पे खाया सच में मज़ा आ गया हमारे को। भैया कितने का है डोसा? 60 रुपीज़। ये देखो फ्रेंड 60 रुपीज़ में भैया ने क्या क्या डाला है, और साथ में सांभर दो चटनी भी देते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया। और क्या क्या भैया? इडली कितने रुपए प्लेट है इडली की? 40 रुपीज़। और वड़ा वो भी 40 रुपीज़ है। खाने वालों को इडली वो वड़ा टेस्ट कर लें। वे काम करो एक एक है ना सिंगल सिंगल दोनों वो भी लगा देना, बस ये तीन चीज़ ही होती हैं इडली सांभर वड़ा सांभर और डोसा। ये लो हमारा डोसा बन के तैयार। आप भी भैया यहीं के रहने वाले हैं? आपका नाम? अजय। अजय ये सांभर डल गया। अच्छा सांभर में डिस्पोजल यूज करते हैं आप? हेलो फ्रेंड्स हमारा डोसा बनके तैयार हो गया। चिया पहली बाइट कौन खाएगा? चिया खाएगी। चलो स्टार्ट करो पर टेस्ट करके बताओ चिया कैसा है डोसा यहाँ का। खाओ टेस्ट करो, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है फ्रेंड। चिया अच्छा है, सैंडविच नहीं है ये, ऐसे नहीं खाते इसको मेरे ख्याल से ना। चलो स्टार्ट करो मालिक टेस्ट करके देख कैसा बना। देखने में सांभर तो बहुत बढ़िया लग रहा है फ्रेंड। तो ये पटेल नगर में दुकान पड़ती है और यहाँ पे भी थोड़ी सा अभी रश होना स्टार्ट नहीं हुआ, 6 बजे के बाद बहुत रश होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। लोग कई बार डिनर नहीं करते, डोसा खाने आते हैं, इडली सांभर वड़ा सांभर। ये देखो आप सहारनपुर चौक से थोड़ा सा पहले पड़ता है फ्रेंड से, बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया बहुत। ये फ्रेंड हमारी दूसरा भी ऑर्डर सॉफ्ट हो जाएगा फिर आराम से खाएंगे, तब तक हम इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स ऐसे डोसा खाने का मज़ा ऐसे आता है, ये मज़ा आ गया। फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पे आओ हमारे साथ, हमारे को मैंने बताना डोसा यहाँ कैसा लगा, और एक छोटी सी वीडियो आप लोग भी शूट करी है मैंने, कहीं और भी लेके चलूँगा आप लोगों को। मैंने बोला देहरादून में हर जगह पे हर जगह की चीज़ खाकर देखेंगे हम और टेस्ट करेंगे, और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। फ्रेंड्स अभी हम खाते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिशेज नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं आपको इसका भी टेस्ट करके बता देता हूँ एक बार। ये इडली सांभर दोनों में एक जैसा है, लेकिन बड़े की वजह से थोड़ा सा टेस्ट अलग आ गया, इसमें खा के भी मज़ा आ गया डोसा। फ्रेंड्स इसमें आप लोग आओ यहाँ पे डोसा खाओ। तो वो अभी मालवीय का शूट कर रही है, उसके ख़त्म होने से पहले हमारा स्टॉप कर रहे थे को अभी, तो हम मिलकर पहले डोसा खा लेते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स चलो फ्रेंड्स मैं तो खा चुका अपना डोसा और मुझे काफ़ी पसीने भी आ गए, बहुत टेस्टी था और काफ़ी मज़ा आया डोसा खाने में। मैं तो अपना खा चुका हूँ मारिया, जो थोड़ा सा बचा है कैसे मालूम है क्योंकि यार मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में तो हम खाते रहते हैं ये चीज़ें ना, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे आया टेस्ट जो लगा तेरे हिसाब से क्या कमेंट करना चाहेगी यहाँ पे? यहाँ छोटी शॉप्स में जो टेस्ट और जो क्वालिटी मिलती है ना फूड की, वो बड़ी शॉप्स में मिलती है, बट टेस्ट का डिफरेंस बहुत जगह मिलेगा आपको। फूड वो आपको प्रेजेंट करके बहुत अच्छे से देंगे, बट टेस्ट में डिफरेंस आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यहाँ ज़्यादा पसंद आया मतलब टेस्ट है यहाँ का टेस्ट, और नॉर्मल आप बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी आप खाते हो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंस है। वही ना, बड़ी बड़ी जगह पर खा के तो खाते रहते हैं डोसा वगैरह, लेकिन एक मतलब वर्थ है 60 रुपीज़ में इन्होंने पनीर आलू प्याज मतलब जो मसाला बनाया हुआ है टेस्टी है, और चटनी भी अलग अलग दो चटनी है, और सांभर की भी क्वांटिटी दोबारा भी ले सकते हैं।
ठीक है। और देखो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे रश लगना शुरू हो चुका है, जब हम आए थे तो भैया फ्री थे, तो काफ़ी भीड़ लग चुकी है इधर। फ्रेंड्स से बात बताऊंगा मैं आपको, हम सीधा जाएंगे यहाँ से तो सहारनपुर चौक पड़ता है देहरादून का। फ्रेंड्स यहाँ पे लोग देख रहे हो आप, पैकिंग भी करवा के लेके जाते हैं, हम भी मम्मी के लिए एक डोसा पैक करवा के लेके जाएंगे। मतलब ये तीन शॉप है यहाँ पे, इन्होंने अलग अलग काम कर रखा है। देखो आप, वो बन टिक्की पाव भाजी टिक्की चाट, और वहाँ पे आपका है देखो चाट भंडार है, और इस टाइम यहाँ पे भी डोसा खाने आया भैया। डोसा आ गया तो मज़ा आ गया, एक डोसा और पैक कर दो यार मम्मी के लिए। हर बार टेस्ट सेम ही बनाते हो मुझे लग रहा है ना, जब पिछली बार खाया था तो भी वही टेस्ट था, इस बार खाया वो भी वही टेस्ट है। रेस्टोरेंट में तो हम भैया खाते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मज़ा आया डोसा खाने का, मेरे को डोसा पसंद नहीं था भैया, लेकिन यहाँ पे जब खाया हमने तो हमने कहा। आपकी पहली वीडियो बन चुकी है यहाँ पे, कभी बनी है किसी की, बनाई है किसी ने? हाँ जी एक बनी हुई है, एक बनी हुई है। चलो सेकंड वीडियो हमारी हो गई। तो फ्रेंड्स जी हमारे यहाँ पे भैया के पास एक कस्टमर आए हैं, जैसे हम आए थे खाने के लिए। तो भैया कैसी जगह है ये? बहुत बढ़िया जगह है। अच्छा बनाते हैं भैया ना? बहुत बढ़िया डोसा बनाते हैं, मैं तो रेगुलर यहीं से लेके जाता हूँ। अच्छा आप खाते हैं, मतलब कई बार रातों खाना नहीं बनाना तो डोसा से काम चल जाता है ना, इस्तेमाल कर लेते हैं। बढ़िया, आप यहीं के रहने वाले हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नवीन कुमार। नवीन कुमार, बहुत बढ़िया लगा भैया आपसे मिलके। सच भैया हम आए थे पिछली बार खाने के लिए, हमारे को मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ बनाई थी भैया ने। और मुझे लग रहा है ये भी यहाँ पे लाइन से फेमस ही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना। हाँ, और वो चाट भंडार, अच्छा वो मोमोज भी रखते हैं वहाँ पे। अच्छा चलो बढ़िया है भैया। तो फ्रेंड्स अभी तो हमारी यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर में स्टॉप करते हैं, मम्मी के लिए डोसा बन जाए। ये देखो फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं, तो भैया इसमें पहले प्याज डालेंगे और फिर पनीर इसमें क्रश करेंगे। भैया डोसा बनाना तो सीख गया यार आपसे दो मिनट में, मेरी भी ठेली लगवा दो भैया एक यहाँ पे भी ना। लगा लें आपके साथ ही, कंपटीशन चलेगा फिर, लेकिन आपसे ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाऊँगा भैया मैं। यहाँ पे 6 बजे के बाद आने शुरू हो जाते हैं सब ना खाने के लिए, बढ़िया चीज़ बनाते हैं। अब भैया रेस्टोरेंट में फेमस तो सब जगह ही हैं, लेकिन जो यार इनका टेस्ट आया खाने का मज़ा हमारे को सच में लाजवाब। उसका जिस हिसाब से मालूम टेस्ट है, मतलब चीज़ अच्छी बना रहे हैं भैया ना, महंगा नहीं है, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट रेट है। तेरे हिसाब से कुछ कमेंट करना चाहेगी इस बात पे डोसे के लिए? सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या लगा, सांभर वड़ा, इडली सांभर, डोसा ना? इडली भी अच्छी थी, अच्छी काफ़ी अच्छा साइज था उसका, और एक इडली काफ़ी ठीक। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? डोसा। डोसा ज़्यादा अच्छा था ना? हाँ चलो दादी के लिए भी भैया ने पैक कर दिया, बस चलते हैं लेकर फिर डोसा। भैया पैसे कितने हो गए बता दो? एक डोसा और ये दूसरा दो डोसे हो गए, एक वड़ा हो गया और एक इडली होगी भैया 160। देखो फ्रेंड्स मतलब मैंने एक डोसा पैक कराया है और एक डोसा हमने यहाँ पे खाया है और एक इडली और एक वड़ा हमने लिया है, 160 रुपीज़ भैया ने बताया है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे बैठने का इतना चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे को ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग भी आओ और यहाँ पे खाओ, भैया बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे डोसा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आए और हमें प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और आपको पसंद आया नहीं आया, और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, आपको कहीं और लेके जाऊँगा, ये आपको जगह मैंने दिखाई है, आप लोग प्लीज़ जरूर आना, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।